हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा ग्लोबल मूवी टीवी से। आज हमारे साथ है भाग बकुल भाग के रंजीत यानी शीना के पिता। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू डूइंग? अच्छा बताइए, सो सोकर कौन किस तरीके का योगा कर रहे थे आप? नहीं, एक्चुअल वही सो के भी योगा बहुत होता है, लेकिन ये योगा नहीं कर रहा है। ये एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है कि दैट टू बिकॉज वो शीना कम्स एंड सीज हिम इन अ वेरी ऑड पॉस्चर एंड सेज कि ये कौन सा योगा है। सो ही टेक्स इट एज अ क्यू और वो अपना बोल रहा है हाँ योगा योगा नहीं, ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू एस्केप द सिचुएशन। ओके, हाथ हथकड़ी किसने बांधी आपको? कौन बांधता है नॉर्मली हथकड़ियाँ? लड़कियाँ बांधती हैं। तो ये बेचारा एक लड़की के झांसे में आ गया, लेकिन वो लड़की नहीं है एक्चुअल, वो बकुल है। बाकी वो क्या है, क्या है, क्यों है, वो देखना पड़ेगा एपिसोड। लेकिन सो अल्टीमेटली वो भी बंधवा लेता है अपने आप को, ये इसलिए बिकॉज एक लड़की, एक औरत, एक लेडीज़ के सामने आदमी हमेशा एकदम से निकम्मा सा हो जाता है, सरेंडर कर देता है। सो ही ऑल्सो सरेंडर्स टू प्ले अ गेम, बट शी इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम विच इज़ नॉट शी, इज इट्स अ ही। सो ही प्लेज अ गेम जिसमें वो बांध देता है उसको। सो इट्स टोटल फन एंड very humorous and very hilarious episode, so I believe audience will also love this. Okay, जब शीना ने बताया कि like चलो पुलिस को बुलाते हैं, तो क्यों? नहीं, वो क्यों मतलब अगर वो हाँ करेगा, पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पकड़ा जाएगा कि अपनी बेटी को भेज के ये आदमी रंग रलियां मनाने लगा था। वो तो और है कि रंग में भंग पड़ गया बिकॉज इट वॉज अ गाय। सो ऑब्वियसली ही वुड लाइक टू सेव हिमसेल्फ कि नहीं पुलिस को मत बुलाओ, तो वो सारे बहाने मारता है कि अरे चोर तो हमारे घर आते रहते हैं, वो तो आम बात है आजकल सब जगह जाते हैं। नहीं तो बिकॉज उसको डर है ना कि पकड़ा जाऊंगा मैं। तो शीना एंड में बोलती है कि नहीं, यू आर लाइंग, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। हाँ तो झूठ बोलना कोई आसान काम थोड़ी है मैडम। झूठ बोल के फिर उसको कवर अप करना और उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो एक बहुत मुश्किल काम है। तो ही सेज क्योंकि ही हैज टू समहाउ कन्विंस हिज डॉटर कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और कम ऑन भूल जाओ ये सब हो गया, आई एम ओके नाउ, लेट्स गो एंड डू समथिंग एल्स। सो दैट्स व्हाई ही हैड टू लाई, यू नो ऑब्वियसली बेटी के सामने जो होता है ना बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है सिचुएशन एक आदमी के लिए, आई बिलीव आई डोंट नो। सो वही सिचुएशन है ये जिसमें ही वॉन्ट्स टू कवर अप एंड जस्ट गो। ओके, करंटली सीन के अलावा बात करें, करंटली मॉनसून सीजन चल रहा है, तो आप कितना एंजॉय करते हैं मॉनसून सीजन को? बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई कम फ्रॉम असम और वहाँ बारिश रोज़ होती है। वहाँ हम जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हमें नहीं पता था कि बारिशों का मौसम होता है। हमें ये पता है कि 12 महीने बारिश होती है। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे पता लगा कि मौसम होता है जिसमें जून से बारिश शुरू होती है। सो देन बिकॉज वी हैव ग्रोन अप इन रेन्स एंड आई स्टडीड इन शिलोंग, जहाँ जिसके एक घंटे दूरी में है चिरापूंजी, जहाँ आपने सुना होगा हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। सो हम बड़े ही बारिश में हुए, तो यहाँ पे जब वो 3 महीने की बारिश मिलती है, हम ऑब्वियसली विद इन द इन बिटवीन द शॉट बाहर नहीं निकल के भीग सकते, लेकिन जो आवाज़ ही आती है वो ही बहुत सूदिंग होती है। सो 3 दिनों से मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इस आवाज़ को सुन के, और रात को पैकअप के बाद मुझे अगर मौका मिलता है घर पहुँच के तो मैं बाहर निकल के फिर भीगता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, आई लव इट। जैसे कि आपने बताया कि आप असम से हो, तो कोई जुड़ी यादें आपकी है बारिश से लेकर? बहुत सारी है याद है बारिश में, मैंने कहा जब बड़े भी बारिश में हुए। बारिश ऐसी है जो इसके लिए हम बहाना बना के बाइक लेके निकल जाते थे घर को, घर में बोल के कि कुछ ला। ऐसा मस्त मोमेंट लाइक याद है हमेशा, मोमेंट हैज बीन यू नो इट्स आप रोलिंग है। बारिश में बहुत सारी मेमोरीज है, रोमांस होता है ऑब्वियसली, तो आपकी भी काफ़ी सारी होंगी मेमोरीज विथ रोमांस। मेरी उतनी हो नहीं पाई बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिला इतना, जब मौका मिलता है तो ऑब्वियसली दीज आर सम फैंटेसीज दैट यू हैव विद इन रेन। सो या फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव इन्जॉयड एंड आई थिंक बेस्ट इज़ टू ईदर हैव यू नो ओपन जीप होती थी मेरे पास यहाँ पहले। सो उस ओपन जीप में मैं बारिशों में मैं और मेरे कुछ दोस्त सब इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, एंड वी यूज़ टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर पैकअप जस्ट टू गेट वेट, पूरा शीशा भी नीचे गिरा देते थे। सो दोज आर सम वंडरफुल मेमोरीज ऑफ यू नो रेन, वैसे तो बहुत सारी है बट बहुत लंबा चल जाएगा। ये थे हमारे साथ रंजीत, कैमरामैन जय के साथ मनीषा हाथी, ग्लोबल मूवी टीवी, मुंबई।